गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है कि सॉइल प्रोफाइल जो होता है, मेनली सॉइल की जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर क्या हैं, जैसे कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल की वर्टिकल सेक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। यहाँ देखिए डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत टाइप्स की लेयर्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहली लेयर है ओ हॉरिजॉन, ये टॉप लेयर है, आपको दिख रही है, सबसे ऊपर की लेयर है जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल है तभी ये निच न्यूट्रिएंट्स हैं और यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ए हॉरिजॉन, ये होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, ये जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, और ये डार्क कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, और इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। यही रीज़न है कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं इसी लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, और प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो करते हैं और ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। थर्ड आती है बी हॉरिजॉन, ये देखिए यहाँ पे है बी हॉरिजॉन, ये भी आपकी ये इसी लेयर में आ रही है, ओ ए बी, यानी ए से थोड़ी सी नीचे आ रही है। कह रहे हैं ये लेयर टॉप सॉइल की लेयर है, टॉप सॉइल की लेयर से अटैच है, इसको हम सब सॉइल बोलते हैं। और जब हम इसे सब सॉइल बोलते हैं तो इसको हम सब सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोर कॉम्पैक्ट है, रिच है मिनरल्स में, इनके अंदर मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और इनका कलर लाइट कलर होता है, और इनके अंदर स्टोन्स थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन क्या है, बिलो द सब लेयर, सब लेयर के नीचे है, जिसको हम सब स्पैटम भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि बी और ए हॉरिजॉन जो है, फर्दर वेदरिंग ओवर टाइम में कन्वर्ट दिस लेयर इनटू द बी एंड ए हॉरिजॉन, थोड़े दिनों के बाद ये क्या होती है ए और बी की लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पेरेंट्स मटेरियल भी बोलते हैं, और ये भी हेल्दी होती है। नेक्स्ट आती है आर हॉरिजॉन, और जो आर बोलते हैं हम इसे, या एफ भी बोल सकते हैं, बेड रॉक भी इसे हम बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन जो होती है सबसे नीचे की लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, और ये हार्ड रॉक्स पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्स होते हैं। तो सी और बी हॉरिजॉन में धीरे धीरे ये कन्वर्ट होने लगती है। हम कहते हैं ना कि ये जो है ए और बी है, सी वाली ए बी में कन्वर्ट हो गई, बी सी जो एफ है वो बी सी में कन्वर्ट हो गई, थोड़े दिनों के बाद रिएक्शंस होते रहते हैं इनके अंदर, इसलिए ऐसा होता है। तो बेड रॉक जो है नॉन पोरस है, और इसके अंदर वाटर टू सिप थ्रू इट, वाटर इसके थ्रू नीचे कलेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, इसी के थ्रू नीचे कलेक्ट हो जाते हैं वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। आप कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है कि जिसके अंदर पेरेंट्स मटेरियल वाटर एयर मिनरल ह्यूमस एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म होता है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल, या इसकी हेल्प से जो सॉइल बनती है उसको कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब आती है पहले पेरेंट सॉइल। अब इसमें ग्रेवल है, ये स्मॉल है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैंड है, कॉर्जल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं ग्रेवल्स के कंपैरिजन में, क्ले है, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिल्ट। सिल्ट में क्या होता है, मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब वाटर क्या है, वाटर क्या काम कर रहा है, होल्डिंग करने का काम करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर में, तो ये सॉइल जो होती हैं वाटर को रोकने का काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाओगे तो रूट में जो होते हैं सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब एयर क्या है, द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। मिनरल्स, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मीका ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स हैं जो रूट लेते हैं स्टम के थ्रू और लीव को देते हैं फूड की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ह्यूमस। ह्यूमस आपको पता है जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स से बनते हैं, तो इससे रिच होती है फर्टिलिटी उसकी सॉइल की। नेक्स्ट आता है सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या है, द टी स्पून ऑफ अ सॉइल कंटेन मिलियन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक अगर टी स्पून ऑफ सॉइल लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया और फंगी पाया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ह्यूमस, यानी ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक करके डीकम्पोजिशन का काम करते हैं ये। और ये आंट हो गई, अर्थवॉर्म हो गए, स्नेल हो गए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो दिस एनिमल हेल्प इन द एरेटिंग एंड द लूजिंग ऑफ द सॉइल। एंड थैंक यू सो मच।